नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे HSSC ग्रुप डी ज्वाइनिंग पोर्टल सैलरी और डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डी ज्वाइनिंग। 2697 की लिस्ट लगी है, ज्वाइनिंग कब होगी। 10 अगस्त के कैंडिडेट भी बचे हुए हैं, जो 10 अगस्त को लिस्ट लगी थी, तो ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, HSSC ने अपना काम कर दिया, अब काम बचता है HRD का। ठीक है, HRD ज्वाइनिंग की प्रोसेस कराएगा। सबसे पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होंगे आपके, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है या पहले सिलेक्ट 10 अगस्त को हो चुका है। ठीक है, उसमें खेल कोटे वालों के नहीं हुए थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जो खेल कोटे से नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो गए थे लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे, कोई मेडिकल का इश्यू रहा या मेडिकल लेट हुआ उनका। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर के बेस पे ही आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और ये आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको जल्दी ही प्रोसेस शुरू होता दिखाई देगा। अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन डाउनलोड होंगे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे और आपका जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओगे, मेडिकल करवाओगे और अपनी कमिश्नरी में उसको जमा कराओगे, और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनके दो दो सेट करवा लेना कॉपी के, और अटेस्टेड कर लेना। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और अपनी कमिश्नरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग होने के बाद जो आगे की प्रोसेस होगी उसके बारे में बात करूँ, तो HRD ही पोर्टल खोलेगा, उसके अंदर ही आपकी डिपार्टमेंटों की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, उसमें ही आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरनी है। पहले 10997 लगे थे, उसके बाद 3400 के लगभग लिस्ट लगी थी, और अब जो है 2697 की लिस्ट लगी है। डिपार्टमेंट अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। ठीक है, और पोर्टल के माध्यम से सभी को डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, और डिपार्टमेंट वाला मामला भी बहुत जल्द अब जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि HRD को भी पता है 2 इलेक्शन जा चुके हैं और अब जो है सरकार भी क्लियर बन चुकी है, तो अब इसका निपटारा करना है। सभी डिपार्टमेंटों को कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि सारे काम आपको पता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका काम तभी चलता है जब उस डिपार्टमेंट में पूरे कर्मचारी होते हैं, नहीं तो काम धीरे धीरे प्रोसेसों में चलता है। तो डिपार्टमेंटों में बहुत जल्द जो है ग्रुप डी के कर्मचारी पहुँचेंगे, और डिपार्टमेंट भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। साथ में सैलरी की बता देता हूँ, सैलरी की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द अभी शुरू होने वाली है, इस महीने के लास्ट में ही। ठीक है, जिसकी सैलरी, जिसका पोर्टल खुल चुका है, जिसकी सैलरी पहले आ चुकी है उनको जल्दी आ जाएगी, बाकी खेल कोटे वालों के लिए तो असुविधा ही रहेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो मामला है वो सिरे चढ़ने वाला है, और उसके बाद ही, क्योंकि रिजल्ट में स्पष्ट दिखा गया था कि ज्वाइनिंग तभी देनी है जब इनकी वेरिफिकेशन हो जाए, लेकिन ज्वाइनिंग पहले दे दी गई थी। ठीक है, और वेरिफिकेशन वाला मामला अब लगातार चल ही रहा है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेटों का एक डाउट था कि खेल कोटे के सिर्फ 6600 कैंडिडेट ही लगाए गए इस लिस्ट में, जो अभी 2697 की लिस्ट आई थी, तो आपको पहले बता देता हूँ, पहले जो आपके एक्सर्विस मैन में जो कैंडिडेट गए हुए थे, इस कारण से ये मामला हुआ है, क्योंकि पहले ही आपके प्लस कैंडिडेट जो है लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, कैटेगरी गलत हुई थी, एक्सर्विस मैन में 270 के लगभग कैंडिडेट चले गए थे, इस कारण ये मामला हुआ है, और डिपार्टमेंट आपको जल्द ही दे दिए जाएंगे। सैलरी का मामला बहुत जल्द अब स्पीड से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-1 रुपये का सरकार आपको हिसाब देगी जितने भी आपके बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम है अपना RK न्यूज़ अपडेट के नाम से, वहाँ मुझे फॉलो करके पर्सनली मैसेज आप कर सकते हो अगर कुछ भी आपको पूछना है। ठीक है, और खेल कोटे से हो तो खेल कोटे हरियाणा के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, स्पेशल खेल कोटे वालों के लिए रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दी है, मेडिकल होगा और सिर्फ ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, जो जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी टाइम से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट देने में थोड़ा समय लग सकता है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।